हर हर बुगली, घर घर बुगली, मोस्ट वेलकम इन द इंडिया नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. प्लीज सब्सक्राइब द बुगली स्टूडियो एंड प्रेस बेल आइकन एंड प्रेस बेल आइकन. यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नर्सेज वर्ल्ड एंड देन डाउनलोड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. iOS also available for iOS. Please watch our videos. There are a lot of classes available for different kind of the crash courses like the AIIMS exams, JIPMA, PGI and CHOs, RRBs, ESIC and many more. You can watch these videos and make your study very excellent. Delhi 6-hour classes, Delhi test and Delhi classes. Topic wise test series available there. Paints on this platform, India's best YouTube search teaching the nursing student. Download Bugli app now for your Android phone or your Apple. AIIMS, NCLEX, ESIC, MNS, TSSP. Guys, do not forget to write a great review here for your application on Google Play Store. This is directed by MCI Nursing Career Institute, Kota, Rajasthan. Download online app now. Now, अब पढ़ो घर बैठे अपने अंदाज में बुगली है तो मुमकिन है. Notification से पाएं सभी लेटेस्ट कोर्सेज और अपडेट्स की इंफॉर्मेशन अपनी कोचिंग ऐप के साथ. और अभी सबसे ज्यादा लेटेस्ट कोर्स जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो है क्रैश कोर्स फॉर AIIMS एग्जाम्स. टेन बेहतर और तेज पढ़ाई के लिए स्टूडेंट टेस्ट रिजल्ट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के साथ डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ. टारगेट इन सक्सेस, मैक्स ग्रेट रिजल्ट. अब मैनेज करिए अपना टाइम टेबल एंड स्टडी मटेरियल अपनी कोचिंग ऐप के साथ. बेटर मैनेजमेंट फॉर बेटर परफॉर्मेंस. अब किसी भी टॉपिक की प्रॉब्लम ट्यूटर से आप पूछ सकते हैं अपनी कोचिंग ऐप के साथ. तो प्यारे दोस्तों, आज और अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब करिए और डाउनलोड करिएगा बुगली ऐप और शुरू कर दीजिएगा अपनी जिंदगी की बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई. नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड. स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुगली स्टूडियो में. प्यारे दोस्तों, बेहतर एजुकेशन के साथ साथ बेहतर गाइडेंस और बेहतर मोटिवेशन की आवश्यकता होती है. और ये सारे फीचर्स आपको केवल और केवल ओनली मिलेगा बुगली पर. तो देखते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा और बने रहिए साहू सर के साथ बुगली चैनल पर. चलिए दोस्तों, एक नए लेक्चर के साथ मैं आप सबका स्वागत करता हूं और मैं बढ़ाने जा रहा हूं अब आपको एक नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो है इंसर्टिंग द मेडिकेशन इनटू द वेजाइना. वेजाइना में किस तरह से मेडिकेशन इंसर्ट किए जाते हैं और आप इसे जानते हो वेजाइनल सपोजिटरी के नाम से. इससे पहले हम आपको रेक्टल सपोजिटरी पढ़ा चुके हैं, यानी अभी हम आपको मेडिकेशन सिखा रहे हैं और उसमें नेक्स्ट हमारी क्लास से वेजाइनल सपोजिटरीज जो प्रेगनेंसी के टाइम पर हर फीमेल को एडवाइस किए जाते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिकेशन इनटू द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ द क्रीम, जेली, फॉर्म्स और सपोजिटरीज. दोस्तों याद रखना, वेजाइनली हम किस किस फॉर्म में मेडिकेशन इंट्रोड्यूस करते हैं. तो हम क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स या सपोजिटरी, इस तरीके से मेडिकेशंस वेजाइनली एडमिनिस्टर कर सकते हैं. ये जो होता है दोस्त, ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसको मैं अभी जूम करके भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद आपको, ये है मेडिकेशन एप्लीकेटर. क्या है ये मेडिकेशन एप्लीकेटर है. हम इसमें इस तरह का एक टिप होता है जो मेडिसिन को, टैबलेट को होल्ड कर लेता है. इसके अंदर हम दवा को रखते हैं और पीछे इसमें एक पंप टाइप से होता है जो जिसे हम कहते हैं रिलीवर या एप्लीकेटर.
इस एप्लीकेटर के माध्यम को से इसे वेजाइना में इंसर्ट करके इसके माध्यम से हम मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे ही आप यहां से इसको बटन को पुश करेंगे, ये मेडिसिन को रिलीज कर देगा। अंडरस्टैंड? तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर, क्योंकि इस लेक्चर में आप सीखोगे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और वो एग्जाम्स के अंदर आने की फुल चांसेस होती है। तो आइए जानते हैं किस तरह से इसमें हम यूज करते हैं एप्लीकेटर को। तो वेजाइनल सुपोजिटरी को इस तरीके से इस एप्लीकेटर के यहाँ पर रखा जाता है टिप में, यहाँ होल्डिंग करने के लिए एक होता है, ये डिस्पोजेबल आता है और जिस तरह से सिरिंज का प्लंगर होता है उसी तरह का यहाँ पर ये पंप होता है। अब इसको इंसर्ट करके जैसे ही आप पुश करोगे तो ये वेजाइना में जा करके मेडिसिन को रिलीज कर देगा। क्लियर है? आइए जानते हैं वेजाइनल मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने के क्या पर्पस होते हैं। तो फर्स्ट पर्पस होता है दोस्तों टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस। वेजाइनली मेडिकेशन इन्फेक्शंस को ट्रीट करना या प्रिवेंट करने के लिए किए जाते हैं। रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, वेजाइनाइटिस हो या कोई भी एसटीडीज हो, अगर इन्फ्लामेटरी है तो उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम वेजाइनल मेडिकेशन करते हैं। To relieve the vaginal discomfort, understand? So these are some of the purpose behind the medication. आइए चलते हैं किसी भी female client को यदि vaginal medication करने जा रहे हैं, कुछ guide कर दीजिए important. सानिध्य त्रिपाठी, MSc nursing entrance exam जो students देते हैं, उसमें वही सब आता है केवल मात्र जो एक CHO के एग्जाम में आता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि अगर आप सब में से जितने भी विद्यार्थी MSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप याद रखना दोस्त, इसके लिए आपको उस लेवल से प्रिपरेशन करनी है जिस लेवल से आप CHO के एग्जाम्स की करते हो। मेडिकल सर्जिकल में से एनाटॉमी के क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, बेसिक फंडामेंटल होती है। नर्सिंग की ऑब्स्टेट्रिक से क्वेश्चन होते हैं, पीडियाट्रिक से क्वेश्चन होते हैं, कम्युनिटी के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो केवल मात्र बेसिक से भी हल्का सा थोड़ा लो लेवल से अगर आप प्रिपरेशन कर लोगे तो आप MSc नर्सिंग एंट्रेंस को क्वालिफाई कर दोगे। और MSc नर्सिंग एंट्रेंस यदि अगर वो विद्यार्थी देने जा रहे हैं जो एम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि एम्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो MSc नर्सिंग एंट्रेंस आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम है जिसको आप इजी गोइंग में क्वालिफाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड दोस्तों? चलिए अब मैं आपके टॉपिक पे आता हूँ कि हम एक क्लाइंट को वेजाइनल सपोजिटरी करने जा रहे हैं, इंसर्ट करने जा रहे हैं, मेडिकेशन करने जा रहे हैं वेजाइनल रूट से, तो आइए कौन से आर्टिकल्स की आवश्यकता हमें होने वाली है। तो सबसे पहले हमें ट्राइंगुलर ड्रैप चाहिए। ड्रैप होता है कवर, कवर बॉडी को कवर करने के लिए। ओके, तो ट्राइंगुलर ड्रैप की आवश्यकता होती है। प्रेस्क्राइब मेडिकेशन, एप्लीकेटर विद द प्लंगर, एप्लीकेटर विद द प्लंगर इन केस ऑफ वेजाइनल क्रीम। क्या चाहिए आपको? वेजाइनल मेडिकेशन एप्लीकेटर। क्लीन ग्लव्स की आवश्यकता होगी। क्लियर? लुब्रिकेंट इन केस ऑफ सपोजिटरी, टॉवल फॉर वाइपिंग द पेरिनियम, पेरिनियल एरिया को वाइप करने के लिए एक टॉवल भी रख लीजिएगा। जो जो इक्विपमेंट्स हम आपको कह रहे हैं, यार क्या क्या हेल्प चाहिए तुम लोगों को? पोस्ट BSc के एंट्रेंस का लेवल या पोस्ट BSc का लेवल जो होता है वो GNM के सब्जेक्ट्स का होता है। GNM में जो भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हों वो सारे सब्जेक्ट्स को बेसिक लेवल से रिवाइज करना होगा। क्लियर? तो पोस्ट BSc में आपको काम हो जाएगा। वुगली ऐप से क्रैश कोर्स कहाँ पर है? वुगली ऐप में स्टोर के अंदर क्रैश कोर्स है, आप वहां जाइए चेक करिए। वुगली ऐप में डेली टेस्ट नहीं शो हो रहे हैं। देखो बेटा, ये आप नहीं बोले क्योंकि मुझे ये सब अच्छा भी नहीं लगता है, राइट?
क्यों? क्योंकि आपको वुगली ऐप से मैंने पूरी एडवांस फैसिलिटीज दे रखी हैं। आप में से कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि ना तो वो कोशिश करते हैं फंक्शंस को जानने की और ना वो समझने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले ही वो ये कह देते हैं कि सर हमें तो मिल ही नहीं रहा है, कोई मुझे ढूंढ के बता दे। नहीं, आप ट्राई करिएगा, हर स्टूडेंट को अवेलेबल है, और आप कह रहे हैं कि सर नहीं है, ऐसा नहीं है, उस पर सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। अब अगर आप एक महीने पहले का टेस्ट, अगर आप मुझसे कहते हो कि सर एक महीने पहले का टेस्ट वापस दे दो, तो वापस मैं कैसे दूं, मुझे नए टेस्ट भी देना है, राइट? तो पुराने टेस्ट को तो हटाना पड़ेगा, तब जाके नए टेस्ट में लेके आऊंगा। हर कंटेंट आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल है, चैनल से भी ना तो कुछ हटाया जाता है कभी भी, और ना ही कभी वुगली ऐप से कुछ हटाया जाता है। हर विद्यार्थी के कोर्स में, जो भी आपने कोर्स परचेस कर रखा है, एक्टिवेट कर रखा है, उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है। चाहे आप कुछ भी उठा के देख लो वुगली ऐप पर, या आपके बैच के अंदर देख लो आप, तो जिनको भी टेस्ट वगैरह ढूंढने में परेशानी होती है, वो एक बैच मिलता है आपको, हर किसी को बैच में ऐड किया जाता है, हर स्टूडेंट को एक बैच हमारी तरफ से बना रखा है हमने। हमारे बच्चे सबसे पहले वुगली स्टार में है, फिर उसके बाद वुगली स्टार वन में है, दूसरा बैच हमने शुरू किया था, तीसरा बैच हमने शुरू किया वुगली स्टार टू, उसमें बच्चे हैं, फिर हमने वुगली स्टार थ्री स्टार्ट किया, वुगली स्टार फोर स्टार्ट किया, और अभी प्रेजेंटली हमारा बैच जो चल रहा है वो वुगली स्टार फिफ्थ चल रहा है। और आपको जानकर शॉकिंग होगा दोस्तों कि 10,000 स्टूडेंट वुगली ऐप पर रेगुलर कंटेंट्स को यूज करते हैं, राइट? इतने कम समय में 10,000 लोग आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। तो अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो ट्रैफिक की वजह से देखो आपको एप्लीकेशन कभी कभार बंद भी हो सकता है। दूसरा इश्यू हो सकता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर थोड़ा स्पेस करो, कैचेस वगैरह क्लियर करो। नंबर टू मैं कहता हूं कि अच्छा नेटवर्क यूज करो, राइट? वरना आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज में परेशानियां आ सकती है, इसलिए हमें थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। दूसरी बात, एप्लीकेशन को चलाना सीखो, खराब नहीं होता है कुछ भी, उसके सारे फंक्शंस को एक एक बार देख करके ओपन करके ट्राई करो, हर फंक्शन को ओपन करके ट्राई करो कि यार इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थोड़ा टाइम, अगर आप आधा घंटा भी एक दिन किसी दिन बैठ जाओगे ना आप, जिसमें पूरी एप्लीकेशन के मास्टर हो जाओगे आप कि पूरी एप्लीकेशन में क्या है, कहाँ क्या मिलता है, राइट? लेकिन हम थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट लेकर के सीखें, तब जाकर हम सीख पाएंगे, अंडरस्टैंड? तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड। अभी देखो एक और बात, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर परफॉर्मेंस में हमें जो है हमारी रैंक नहीं मिल रही है। तो अभी के जो टेस्ट हैं वो 30 दिन के लिए बच्चों को दिए जा रहे हैं, 30 दिन तक वैलिडिटी उनकी दी जा रही है। अब उसकी डेडलाइन कब कंप्लीट होगी? 30 दिन बाद। तो जब वो 30 दिन पूरे हो जाएंगे ना, तब ही आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस वहां पर शो होगी। अभी परफॉर्मेंस नहीं शो होगी, परफॉर्मेंस कैसे शो होगी यार, क्योंकि अभी तो बच्चे टेस्ट दे ही रहे हैं, 30 दिन तक देंगे, फिर जब 30 दिन पूरे हो जाएंगे तब वो आपकी एक तो बैच में रैंक क्या है वो शो कर देगा, एक आपकी ओवरऑल इंस्टीट्यूट में क्या रैंक है वो शो कर देगा, तब आप परफॉर्मेंस के अंदर जाकर अपनी परफॉर्मेंस और सॉल्यूशन को चेक कर पाओगे। इसके लिए अब 30 दिन तक दे रखा है, अगर एक दिन के लिए दूंगा तो फिर भी आपको परेशानी हो जाएगी कि सर एक ही दिन में टेस्ट हट जाता है, आप मुझे उधर से भी नोच खाओगे, तो हर तरफ से मेरा तो मरण हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुसीबत झेल ली है मैंने, राइट? तो मरण कैसे हो रहा है, तो ये ध्यान रखो, समझो आप चीजों को कि कैसे मेंटेन की जा रही है, इसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है अगर ऐसा किया जा रहा है। अब अभी क्या कर रखा है कि मैंने अगर जैसे 30 दिन के लिए टेस्ट दे रखा है, तो 30 दिन के लिए टेस्ट दे रखा है तो उसके सॉल्यूशन अभी परफॉर्मेंस में नहीं आएंगे। अभी सॉल्यूशन कहाँ आएंगे? सॉल्यूशन के लिए आपको या तो टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सॉल्यूशन कब मिलेगा प्यारे दोस्तों? जब टेस्ट आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपको फिर से सॉल्यूशन देखना है तो आप उस टेस्ट को री अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? री अटेम्प्ट करके फिर से आप उस सॉल्यूशन को देख लो, पढ़ लो, राइट? ऐसे मेनली हमें अभी
जो है अपना काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये डेली रूटीन पे जो को देखो मेजर जो होते हैं ना, मेजर टेस्ट जो होते हैं, तो मेजर टेस्ट तो एक दिन में होता है, एक दिन में फिनिश हो जाता है, हट जाता है। लेकिन स्किल टेस्ट में आप सबकी सुविधाओं के लिए कम से कम 30 दिन तक रखता हूँ, और 30 दिन तक रखने के पीछे पर्पस होता है कि जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं रोज, उनको समस्या ना हो, राइट? क्योंकि आप तो अभी जुड़ गए, आप तो यूज करने लगे, लेकिन जो नया आएगा उसका भी तो वेलकम करना है। आप स्वागत करते ही नहीं हो, कोई नया आता है तो नया आता है उसका वेलकम किया करो, उसको बधाई दिया करो बुगली के परिवार में शामिल होने के लिए। एक से लेकर के बुगली स्टार 5 तक के बैचेस अभी चल रहे हैं बुगली पर। पांचों बैच के अंदर बहुत एक्सीलेंट बच्चे हैं, 3000 एक बैच के अंदर है, राइट? 3000, 2000, 3000, किसी बैच में 2000 मिनिमम है, किसी में 3000 है। तो आप ये सारे बैचेस के अंदर जिस भी बैच में आप हो, तो अपने बैच में आप अपनी पोजीशन को मेंटेन रखो, और हर बैच के अंदर पूरे टेस्ट हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, सिंगल अटेम्प्ट नहीं है, अनलिमिटेड अटेम्प्ट से। तो कोई टेस्ट नहीं हटाया जाता है 30 दिन तक। आप 30 दिन तक भी आप ना दो तो फिर उसके बाद क्या मैं मरूं क्या, सूली चढ़ूं क्या, राइट? ये तो आपकी केयरलेसनेस है ना, तुम लाइक कर दो बस, इसको इसको भी लाइक कर दो जितनी आएगी सबको लाइक कर देना तुम लोग ऐसे तैसी लाइट वाले की, ठीक है? चलो हम बात कर रहे थे यहाँ से कि कोई भी मेडिसिन हम करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट याद रखना है कि उसके लिए एलर्जी चेक कर लीजिएगा कि कहीं उस ड्रग से उस पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल मीटस और वेजाइना, दोस्त वेजाइनल मेडिकेशन यदि हम करने जा रहे हैं तो याद रखना ये असेस कर लीजिएगा कि एक्सटर्नल जो वेजाइनल मीटस है या वेजाइना है वहां कहीं इन्फ्लामेशन तो नहीं है ना, ओके? नेक्स्ट हम देखेंगे कलर, कैरेक्टर एंड ऑर्डर ऑफ द वेजाइनल डिस्चार्ज। एक और बात जो असेस करने लायक है वो है वेजाइनल डिस्चार्जेस का ऑर्डर, कलर और उसका कैरेक्टर। कंप्लेंट ऑफ द वेजाइनल डिस्कम्फर्ट, क्या पेशेंट कोई वेजाइनल डिस्कम्फर्ट के लिए कंप्लेन कर रहा है? तो जब कभी भी आप वेजाइनल मेडिकेशन करने जा रहे हो तो पेशेंट से चार बातें पूछना है, चार बातें असेस करना है। पहली बात पूछो, क्या आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी है? देखो वेजाइनल मीटर्स के आसपास क्या इन्फ्लामेशन हो रहा है, वेजाइनल डिस्चार्ज का कलर कैसा है, उसके फीचर कैसे हैं, और उसमें किस तरह की गंध आ रही है, ऑर्डर कैसी आ रही है। देखो नेक्स्ट असेस करिएगा कि क्या पेशेंट को वेजाइनल कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है। ये चारों बातें पूछने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसको एक्सप्लेन करिए प्रोसीजर, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट और एक्सप्लेन दैट इंसर्शन ऑफ मेडिकेशन इज पेनलेस और विल ब्रिंग रिलीफ फ्रॉम द पेन, ईचिंग और डिस्कम्फर्ट। उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को कहना है कि भाई जो वेजाइनल मेडिकेशन होगा वो पेनलेस होगा, इसमें कोई दर्द नहीं होगा आपको, अंडरस्टैंड? और इससे आपको पेन से भी रिलीफ मिल जाएगा, इचिंग से रिलीफ मिल जाएगा और डिस्कम्फर्ट से भी रिलीफ मिल जाएगा, ऐसा आप अपने पेशेंट को कह देना। रिड्यूस द एंजाइटी और एंश्योर द कोऑपरेशन, एनकरेज द पेशेंट टू परफॉर्म प्रोसीजर हरसेल्फ इफ सी इज प्रेफर। एक चांस आप पेशेंट को दीजिएगा, यदि अगर वो खुद ही इस प्रोसीजर को करना चाहता है तो आप उसको कह दीजिएगा कि आप खुद भी मेडिकेशन कर सकते हो, आप उसको सिखा देना, क्लियर है? इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू एम्प्टी बोवेल और ब्लडर, देन उसके बाद पेशेंट को बोवेल और ब्लडर एम्प्टी करने के लिए कहिएगा। प्रोवाइड द कम्फर्ट टू द पेशेंट और रिड्यूस द इंजरी टू द वेजाइनल लाइनिंग, देन प्रोवाइड द प्राइवेसी। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पोजिशन, कि वेजाइनल मेडिकेशन करने के लिए विच पोजिशन इज प्रेफर्ड। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, VIP क्वेश्चन याद रखिए, Which position is preferred for vaginal medication? तो याद रखना दोस्त, dorsal recumbent, कौन सा? dorsal recumbent, dorsal recumbent, lithotomy जैसी लगती है, लेकिन not the lithotomy, lithotomy नहीं, कौन सी? dorsal recumbent या फिर Sims position, या तो फिर Sims या फिर dorsal recumbent, and drap using the triangular drap, और जो triangular drap हमने बता रखा है, उससे आप patient को ढक दीजिएगा।
देन सो दैट ओनली द पेरिनियल एरिया इज एक्सपोज, और केवल पेरिनियल एरिया को ही आप एक्सपोज करें, बाकी पूरी बॉडी को आप ढक दीजिएगा। क्लियर हो गया है? अभी बताऊंगा आपको पोजीशन, ये पोजीशन के दो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे यहाँ से। प्रिपेयर द आर्टिकल, अनरैप द सपोजिटरी, सपोजिटरी को रैपर में से बाहर निकाल लो, और कीप इट रेडी ऑन द ओपन रैपर, और रैपर के ऊपर इसको रख दीजिएगा। फिल द एप्लीकेटर विद द प्रेस्क्राइब क्रीम, जेली और फोम एज पर द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरर्स, बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेटर में जो भी मेडिसिन आपको देना है, या तो वो क्रीम है, जेली है या फॉर्म है, आप एप्लीकेटर में रख लीजिएगा। देन पुट ऑन द क्लीन ग्लव्स, और फिर उसके बाद आप क्लीन ग्लव्स पहन लीजिएगा। लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, बहुत कम लाइक हो रहे हैं, राइट? वैसे ही अभी व्यू बहुत कम हो रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ गए। पुट ऑन द क्लीन ग्लव्स, क्लियर है? ये दोस्त पोजिशन जो आप देख रहे हैं, ये होता है सेम्स पोजिशन, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा जो ये वाला पोजीशन आप देख रहे हैं, ये है डोर्सल रिकम्बेंट। कौन सा? डोर्सल रिकम्बेंट, ठीक है? ये दोनों पोजीशन, बोथ पोजीशंस आर सुटेबल फॉर द वेजाइनल मेडिकेशन। इंस्पेक्ट द पेरिनियल और वेजाइना फॉर एनी ऑर्डर डिस्चार्ज एटसेट्रा। Provide the perineal care to remove the microorganism. Microorganisms को रिमूव करने के लिए perineal care आप patient को provide कर दीजिएगा। Encourage patient to perform her own perineal care in the toilet if able. यदि अगर patient खुद perineal care कर सकता है, तो आप उसे खुद को ही बोलिएगा कि toilet में जाइए, और toilet में जाके आप खुद ही perineal care कर लीजिएगा। उसे आप बता दीजिएगा कैसे wash करना है। Reduce the chances of the microorganism moving into the vagina. इससे जब हम प्रोसीजर करेंगे, तो उससे क्या होगा? Perineal area के microorganisms vagina में enter हो सकते हैं, और इसलिए vaginal medication से पहले आप patient को perineal care provide जरूर करें, ताकि perineal microorganisms do not enter into the vagina. Understand? Administer the vaginal suppository using one of the following methods. अब दोस्तों, ये सबसे important part आ गया है इस lecture का, कि vaginal suppositories को administer करने के दो method मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला method देखिए, apply the cream, foam or lubricate the rounded, smooth end of the suppository. दोस्त, जो suppository होती है, वो कुछ इस तरह की होती है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसमें image मैंने add करवा रखा है। इस तरह का होता है, तो इसका जो स्मूथ एंड है, इसको लुब्रिकेट करना होगा आपको, ठीक है? इस सपोजिटरी का जो स्मूथ एंड है, इसको लुब्रिकेट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टेप में आप क्या करना है, आपको सपोजिटरी का स्मूथ एंड लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट योर ग्लव्ड इंडेक्स फिंगर, देन उसके बाद आपने ग्लव्स पहने हुआ है डोमिनेंट हैंड में, और उसकी इंडेक्स फिंगर को भी आप लुब्रिकेट कर लीजिएगा। हो गया पहला क्वेश्चन, यहाँ से हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से हो गया कि आपके हैंड का कौन सा फिंगर वेजाइनल सुपोजिटरी के लिए यूज किया जा सकता है। तो देखो, हम इंडेक्स फिंगर, यदि एप्लीकेटर अपने पास नहीं है, तो आप फिंगर से सुपोजिटरी इंसर्ट करोगे, ठीक है ना? तो फिंगर से सुपोजिटरी इंसर्ट करोगे, तो कौन सी फिंगर यूज की जाती है, मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर? याद रखना, वेजाइनल सुपोजिटरी के लिए या रेक्टल सुपोजिटरी के लिए हमेशा ग्लव्ड हैंड की, डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं। एक्सपोज द वेजाइनल ओरिफिस बाय सेपरेटिंग द लेबिया विद योर नॉन डोमिनेंट हैंड। अब आप नॉन डोमिनेंट हैंड का यूज करके और वेजाइना की जो लेबिया है, उसको आप सेपरेट कर दीजिएगा, यानी वेजाइनल ओरिफिस क्लियर कर दें, ओपन कर दीजिएगा, जिसमें से होकर हम सपोजिटरी इंसर्ट करेंगे, ठीक है? इंसर्ट द सपोजिटरी अबाउट, अब आता है सबसे वीआईपी क्वेश्चन इस पार्ट का, कि इंसर्ट द वेजाइनल सपोजिटरी अबाउट 8-10 सेंटीमीटर अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। अब दोस्त, एक बात याद रखिएगा कि वेजाइनल सपोजिटरी कितना अंदर तक इंसर्ट करना है, तो लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर अंदर तक आपको इंसर्ट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? या फिर इसी क्वेश्चन को अगर अदर लैंग्वेज में कहा जाए, तो कहां तक इंसर्ट करना है,
तो आपको इंसर्ट करना है अलोंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल जब तक नहीं आ जाती है तब तक आपको सुपोजिटरी को अंदर इंट्रोड्यूस करना है। तो वेजाइनल सुपोजिटरी को 8 से 10 सेंटीमीटर या फिर वेजाइनल ओरिफिस की पोस्टीरियर वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल तक आपको अपने इंडेक्स फिंगर से इसको अंदर इंसर्ट करना है। देन या फिर तीसरे टाइप से थर्ड टाइप से इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि एज फार एज इट विल गो, जितनी अंदर तक आप इंसर्ट कर सको उतना इंसर्ट आपको इस सपोजिटरी को करना है। ठीक है बेटा, तीन प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि इंसर्ट द सपोजिटरी अबाउट 8-10 सेंटीमीटर, इंसर्ट द वेजाइनल सपोजिटरी अबाउट, तो पहला जवाब होगा 8-10 सेंटीमीटर। दूसरा जवाब क्या होगा, अप टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, या थर्ड जवाब होगा एज फार एज इट विल गो, जितना तक ये अंदर इंसर्ट हो सके उतना इंसर्ट आपको करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस लेक्चर। आस्क द पेशेंट टू रिमेन लाइंग इन द सुपाइन पोजिशन फॉर 5-10 मिनट फॉलोइंग द इंसर्शन। अब आपसे कहा जाता है कि पोस्ट इंस्ट्रक्शन आफ्टर द इंसर्शन ऑफ वेजाइनल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरी इंसर्ट करने के बाद पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन क्या देना है आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर वी विल इंस्ट्रक्ट आवर पेशेंट टू रिमेन इन द लाइंग पोजिशन इन सुपाइन। आप अपने पेशेंट को क्या जवाब इंस्ट्रक्शन दोगे सपोजिटरी इंसर्ट करने के बाद, कि साहब आप सुपाइन ही लेटे रहें। आप फीमेल को उसको बोलें जिसको सपोजिटरी आपने इंसर्ट किया है, उसको क्या बोलें कि आप सुपाइन ही लेटे रहना और कम से कम 5-10 मिनट तक आपको सुपाइन ही लेटना है, और हो सके तो द हिप मे ऑल्सो बी एलिवेटेड ऑन अ पिलो, और हो सके तो हिप्स के नीचे आपको पिलो लगा देना है जिससे कि सपोजिटरी बाहर ना आ पाए, एक्सपेल ना हो जाए। अंडरस्टैंड? तो ये है पोस्ट प्रोसीजर पोजीशन। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त वो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वेजाइनल सपोजिटरी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाले पुट अप होंगे, क्योंकि आपको ये सब किसे बताना है, पेशेंट को सिखाना है, प्रेग्नेंट लेडी को सिखाना है, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी को हर 1-2 दिन के गैप में वेजाइनल मेडिकेशन सपोजिटरी रखना होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो सकते हैं, और इसलिए ध्यान रहे कि प्रॉपर आपको आना चाहिए कि किस तरह से वेजाइनल सपोजिटरी को यूज किया जाता है। क्लास लाइक कर दो यार, पत्थर का दिल है क्या तुम्हारा, लाइक तो कर दिया करो भाई, राइट? तो देखिएगा दोस्त क्या क्या क्वेश्चन पुट अप होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप देने जाओगे तो एम्स बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को पूछता है। क्या क्या पूछता है, तो सबसे पहला मेथड हमने कहा इंडेक्स फिंगर यूज करते हैं, कौन से हाथ की, डोमिनेंट हैंड की इंडेक्स फिंगर ग्लव्स पहन करके सपोजिटरी इंसर्ट करने के लिए। वेजाइनल ओरिफिस को सेपरेट करने के लिए हम नॉन डोमिनेंट हैंड यूज करते हैं। उसके बाद सपोजिटरी वेजाइनल कितनी इंसर्ट की जाती है, तो 8-10 सेंटीमीटर इंसर्ट करते हैं। या फिर इसी क्वेश्चन की सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी कि अप टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, या फिर इसी क्वेश्चन की थर्ड लैंग्वेज क्या होगी एज फार एज इट विल गो, जितनी सपोजिटरी इंसर्ट हो सके अंदर उतनी लेंथ तक आपको इंसर्ट करना है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या बनेगा कि पोस्ट प्रोसीजर व्हाट विल बी द पेशेंट पोजीशन, या पोस्ट प्रोसीजर व्हाट विल बी द क्लाइंट इंस्ट्रक्शन। तो क्लाइंट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, रिमेन इन द लाइंग सुपाइन पोजिशन अप टू 5-10 मिनट और प्लेस अ पिलो अंडर द हिप टू प्रिवेंट द एक्सपल्शन ऑफ दिस सपोजिटरी। तो टोटल दोस्तों मैं यहां से आपसे 5-7 क्वेश्चन बनाकर के आपसे आज के टेस्ट के अंदर पूछूंगा। वैसे तो मैं पूरे क्वेश्चंस को लेक्चर में ही बड़े जबरदस्त तरीके से क्लियर करवा देता हूँ, 2-3 बार आपको लैंग्वेज बता बता करके, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन का कंफ्यूजन ये दोनों ही बताना बहुत जरूरी होता है।
केवल पढ़ाना ही सफिशियंट नहीं है कि मैं ये रामायण पढ़ा के सुना दूं। रामायण पढ़ा के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि रामायण पढ़ा के सुनाने से आपको कुछ नहीं आएगा, तो आपको ये सब क्वेश्चंस बताने पड़ते हैं। नंबर 12 मेथड देखिए दोस्त, इफ यूजिंग एन एप्लीकेटर। दूसरा जो मेथड है, अगर हम सपोजिटरी इंसर्शन के लिए एप्लीकेटर यूज कर रहे हैं तो कैसे इसके द्वारा सपोजिटरी को इंसर्ट किया जाएगा, आइए जानते हैं। जेंटली इंसर्ट द एप्लीकेटर और अबाउट 5 सेंटीमीटर स्लोली और पुश द प्लंगर अंटिल एप्लीकेटर इज एम्प्टी। तो अगर एप्लीकेटर को आप अगर फिंगर से कर रहे हो तो आपको फिंगर पता है 5 to 10 सेंटीमीटर, ओके। देन यदि अगर हम एप्लीकेटर यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेटर लगभग कितना इंसर्ट करें, 5 सेंटीमीटर अंदर एप्लीकेटर इंसर्ट कर दीजिएगा और फिर इसका प्लंगर पुश कर दो, जिससे कि सपोजिटरी अंदर वेजाइना में चली जाएगी। डिस्कार्ड द एप्लीकेटर इफ डिस्पोजेबल और क्लीन इट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स इंस्ट्रक्शन। एप्लीकेटर्स जो होते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी एप्लीकेटर, ज्यादातर डिस्पोजेबल होते हैं। आस्क पेशेंट टू बी इन द सुपाइन पोजिशन फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट तक आपको क्या करना है, सुपाइन रखना है पेशेंट को और एंश्योर द प्रॉपर कम्फर्ट। ये देख लीजिएगा, ये होता है दोस्त, ये आज के टेस्ट में एक IBQ आपको मिलेगा कि इसे आइडेंटिफाई करिएगा। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कहा जाए तो ये सपोजिटरी टैबलेट है और ये इसका अंदर जो इंसर्ट होगा वो वाला टिप एंड है और इधर इसका प्लंगर है। यहाँ पर मेडिसिन को रखते हैं और प्लंगर को पुश कर देते हैं तो मेडिसिन अंदर चली जाती है। तो इसको पहचान लेना आप कि सर ये वेजाइनल सपोजिटरी एप्लीकेटर है, ओके। और इस तरीके से वेजाइनल सपोजिटरी एप्लीकेटर इस वाले इक्विपमेंट के अंदर रखते हैं और ये इसके प्लंगर है, इसको हम पुश कर देते हैं जिससे वापस मेडिसिन डिलीवर हो जाता है। आगे बढ़ता हूँ, ड्राई द पेरिनियल एरिया। अब आप मेडिसिन देने के बाद में पेरिनियल एरिया को टॉवल से ड्राई कर दीजिएगा। अप्लाई अ क्रीनियल पेरिनियल पैड इफ देयर इज एक्सेसिव ड्रेनेज। यदि अगर वेजाइनल ड्रेनेज ज्यादा हो रहे हैं तो आप वहां पर एक पैड लगा दीजिएगा, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर यूज किए जाते हैं। रिमूव द ग्लव और वॉश द हैंड। डिस्पोज ऑफ ऑल यूज्ड आर्टिकल और रिप्लेस ऑल रीयूजेबल आर्टिकल, देन डॉक्यूमेंट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो ये था हमारा नंबर टू लेक्चर वेजाइनल सपोजिटरी इंसर्शन। तो अभी हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो मेडिकेशन पार्ट है और हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर मेडिकेशन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यदि अगर आप सब ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। और यदि गूगल प्ले स्टोर से आपने वुगली ऐप को रेटिंग नहीं किया है तो प्लीज अभी जाइए, इसी वक्त जाइए और गूगल प्ले स्टोर पे आपके अपने वुगली ऐप को आप जरूर से जरूर रेटिंग करिएगा, क्योंकि आप रेटिंग करेंगे तभी पढ़ाई बहुत बेहतर पढ़ पाएगी। थैंक यू सो मच। 5 मिनट्स के ब्रेक में मैं 3rd क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो आप उस क्लास पर आ जाइएगा और वो क्लास होगी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के माध्यम से किस तरह से मेडिकेशन किया जाता है। क्लियर है दोस्तों, लव यू, बाय बाय।